अगर इस देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद एक बड़ा चेहरा है तो वो कौन सी राजनीति पार्टी के अंदर है उसके बारे में बताएं। वो बड़ा स्पष्ट है जी। आज पुरी से लेकर के पोरबंदर तक जी और जेके से लेकर के तक जी पूरा देश एक ही नाम को चर्चा में लाए हुए है जी कि भी अगर मान लीजिए कहीं कोई मजबूत शख्सियत है जिसको संसार ने भी माना है, आयरन लेडी उनको कहा गया माने बहन जी को, तो माने बहन जी का नाम सर्वोपरि है और वो इस अनुशासन प्रशासन में, क्योंकि मैं भी बोलता हूँ, मैं तो कहता भी हूँ कि बीएसपी का ये पैगाम स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम, यदि हमें मौका मिला तो स्वच्छ प्रशासन होगा और हर व्यक्ति का, हर समाज का, हर बिरादरी का उम्दा काम होगा, कहीं उनको दिक्कत नहीं होगी। एक बात बताइए सुरेश जी, जो बहन कुमारी मायावती हैं, क्या सिर्फ वो एससी एसटी ओबीसी की नेता हैं, या जो अगर एससी एसटी आ जाएगा, बहन कुमारी मायावती अगर इस देश की प्रधानमंत्री बनती हैं, हाँ, तो क्या सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के लोग ही मजबूत होंगे या सर्व समाज मजबूत होगा? नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी। उससे सर्व समाज का आदमी फलीभूत होगा माननीय बहन जी के प्रधानमंत्री काल में जी, क्योंकि मुख्यमंत्री काल में ऐसा हुआ है जी, उत्तर प्रदेश में हर गांव पर दो सफाई कर्मचारी लगाए गए थे जी। तो वहां ऐसा नहीं किया गया कि भाई इस देश में सफाई का काम विशेष जाति के सुपुर्द किया गया है, तो ऐसा नहीं किया हमने। वहां पर माने बहन जी के आदेश पर 100 सीट हैं जी। तो जो प्रावधान है आरक्षण के कि 27% बैकवर्ड का आदमी, 22.5% SC ST का आदमी और उसके बाद शेष जनरल कैडर का आदमी उनमें रखा गया, तो वहां ऐसा नहीं है कि केवल मात्र SC ST के आदमी को ही कोई लाभ मिलेगा, उसमें सभी को लाभ मिलना है। और वो तो इतनी जबरदस्त मानसिकता वाली हैं कि उन्होंने तो ऐसा कर दिखाया है, ये तो आज बोल रहे हैं कि भाई गरीब को आरक्षण और ये होना है। माननीय बहन जी ने तो अपने शासन काल में करके दिखाया, उधर उत्तर प्रदेश में जो हर गांव में दो आदमी जो रखे गए उनमें से सभी कौमों के लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि SC ST के लोग उसमें भर्ती किए गए। तो जब हम वहां ऐसा काम कर सकते हैं, तो जब देश की सत्ता हाथ में होगी तो माननीय बहन जी तो वैसे भी उदार दिल वाली हैं, उनके यहाँ तो जो भी आया उसका मंगल हुआ है, कल्याण हुआ है।